हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज, आपका स्वागत। खैर, स्वागत करने लायक तो आज कुछ नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंसान दिन प्रतिदिन हैवान होते जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल में हुए हाथनी के मौत पर। आखिर एक इंसान जिसके पास प्रेम है, सोच है, समझदारी है, किसी के प्रति भय भी है, किसी से स्नेह भी है, लेकिन आखिर वही इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है? आज पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी को प्रकृति का बदला समझा जा रहा है, और कोरोना है भी प्रकृति का बदला, जहां आज इंसान खुद को प्रकृति से भी बड़ा समझने लगा था, फिर भी लोग आज प्रकृति से खेलना नहीं छोड़ रहे हैं। कैसी सोच रही होगी उन दरिंदों की जिसने एक गर्भवती हथिनी को, जो मांग रही थी खाना, पर उन राक्षसों ने खाना का लालच देकर उसे बम खिला दिया। यार, औकात नहीं थी खिलाने की तो कोई बात नहीं, क्या जाता था, लेकिन ऐसी दरिंदगी आखिर क्यों? और आप देख रहे हैं कि यह घटना घटते ही पूरे देश में इसकी खबर आग की तरफ फैल गई। पूरा देश के लोग इसके न्याय की मांग करने लगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने जस्टिस फॉर विनायकी का कैंपेन भी चलाया, और यह सही है भी, हर देशवासी के कान में भनक पहुँच गई कि ऐसा घटना घटा है। लेकिन क्या इसकी लहर खत्म होने से पहले ही फिर उसी तरह से एक और हैवानियत, जो गाय को, और वो भी गर्भवती गाय को, उसी तरह से बम खिला दिया जाता है? आखिर यह बात क्यों नहीं उठती कि जब एक हिरण को मारने से जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, तो हथनी और गाय को मारने से फांसी क्यों नहीं हो सकती? इस हथनी को मारने के तुरंत बाद गाय को भी उसी तरह से मारा जाता है, उसी तरह से रवैया गाय के साथ अपनाई जाती है, तो इससे बात जाहिर क्या होता है? इससे बात यह स्पष्ट होता है कि इन दरिंदों में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। तो आखिर यह भय लाना किसका काम है? सरकार इस पर सख्त कानून क्यों नहीं बनाती? आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे देश में बकरे और मुर्गे की तरफ गायों को काटा जाता है, लेकिन इस पर भी कानून नहीं बनता, और तब तक हम चुप रहते हैं। लेकिन आज इन्हीं को हमारे सामने, पूरे देश के सामने तड़पा कर और इतनी दरिंदगी से मारी जा रही है। यहाँ तक कि इसके इंसाफ की मांग करने वाले मेनका गांधी पर केस कर दिया जाता है। आखिर ये सब केरल में ही क्यों होता है? हर भारतीयों को गर्व होता है कि हमारे देश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, लेकिन यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सबसे कम यानी 0% मानवता और इंसानियत वाला राज्य केरल ही है। आखिर यही सब केरल में, सबसे ज्यादा लव जिहाद केरल में ही होगा, PFI का उदय केरल में ही होगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश केरल में ही रची जाएगी, और किसी के हकीकत के बारे में बताने पर, किसी खास समुदाय के हकीकत के बारे में बताने पर भी केस केरल में ही होगा। तो आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? यदि वह हथनी चाहती तो जहां पर बम खिलाया गया था वहां बहुत उत्पात मचा सकती थी, लेकिन कितनी शालीनता थी उसमें। आज जहां एक सनातन धर्म गाय को देवी देवताओं के स्थान पर मानता है, जिसे देवी देवताओं में स्थान दिया है, लेकिन उसी को किसी खास समुदाय के लोग अपने थाली के शोभा बढ़ाते हैं, तो आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? और मैं आशा यही करता हूँ कि एक दिन उसी नदी से इतने भयंकर बाढ़ आए, जिस नदी में वह हथनी अपने प्राण त्यागी थी, कि मारने वाला का पूरा, आप समझ ही रहे हैं क्या कर दे यदि सरकार उस पर एक्शन ना ले और सरकार उस हथनी को न्याय ना दिलाए। जय हिंद।